दोस्तों, आपके घर में लो वोल्टेज है, आप लो वोल्टेज के समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं। बिना कोई स्टेप लेयर में आपको वोल्टेज बढ़ा के दिखाने वाला हूं। आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास स्टेबलाइजर नहीं है तो आप किस तरह से वोल्टेज को बढ़ा पाओगे। क्योंकि दोस्तों, आपको पहले मैं वोल्टेज दिखा देता हूं कितना वोल्टेज है। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर मेरा दो फ्रिज है, फर्स्ट फ्रिज और सेकेंड फ्रिज। चलिए हम फर्स्ट फ्रिज में यहाँ पावर दे देते हैं, और जैसे ही मैंने पावर दिया आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 120 या 30 वोल्ट दिख रहा है, आप देख सकते हो। और चलिए अब हम सेकेंड फ्रिज में चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लगभग 150 वोल्ट है। तो यहाँ पर 150 वोल्ट तो सही है, आप देख रहे हो यहाँ पर बल्ब जल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में 200 वोल्टेज नहीं रहेगा तो आपका पंखा भी ठीक से नहीं चलेगा, और लाइट आप देख रहे हो बल्ब भी अच्छा से ग्लो नहीं होगा, और आपका जो सबमर्सिबल है, पानी उठाने वाला मोटर है, वो भी आपको नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास स्टेबलाइजर नहीं है तो आज मैं बताऊंगा इसमें कि किस तरह से वोल्टेज बढ़ाते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा, मतलब ऑप्शन बताएंगे हम कि किस तरह से वोल्टेज बढ़ाते हैं। आपको अभी मैं लाइव प्रूफ वोल्टेज बढ़ा के दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए मैं वोल्टेज बढ़ा के दिखाता हूं। और वोल्टेज बढ़ा के दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये पोल से वायर आ रहा है, ठीक है, ये पोल से वायर आ रहा है, एक फ्यूज का है और एक न्यूट्रल है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो ये भी एक फेज का वायर आ रहा है। लेकिन हम दोनों फ्रिज में चेक करते हैं, जैसे कि आपको दिखा, अभी फिर से मैं चेक करके दिखाता हूं। तो दोनों फ्रिज में वोल्टेज लो वोल्टेज की समस्या है, इसमें थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज है, 150 वोल्ट के करीब है, लेकिन 150 वोल्ट में अच्छा से पंखा भी नहीं चलेगा और आपका मोटर का पानी भी नहीं उठेगा। तो अब हम वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस चेंजर को खोलेंगे और इसी चेंजर से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको वोल्टेज बढ़ाने से पहले कुछ बातें याद रखना है। आपके घर में अगर लो वोल्टेज है तभी आप इस तरह से वोल्टेज बढ़ाइए, अगर आपके घर में वोल्टेज 200 है तो आप बिल्कुल भी इस तरह से वोल्टेज मत बढ़ाइए। आपके घर में 100 वोल्टेज मिल रहा है या 100 से कुछ ज़्यादा, 130-120, तो आप आराम से 200 या 220-230 कर सकती हो। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ वोल्टेज बढ़ाकर। तो चलिए दोस्तों, मैंने कैमरा को सेट कर लिया, अब मैं इसको बंद कर देता हूं और इस तरह से बंद कर दिया। और आप घबराइए मत दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का चेंजर नहीं है, आपके घर में फ्यूज लगा हुआ है, जो चीना मिट्टी का फ्यूज होते हैं वो लगा हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस चेंजर को ओपन कर लेता हूँ और आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ, और 100% आपको वोल्टेज बढ़ा के दिखाता हूँ, वो भी लाइव प्रूफ, ठीक है। आप भी अपने घर में वोल्टेज को बढ़ा सकते हो इस तरह से। तो मैंने पहले ही बोला दोस्तों, मैंने ढक्कन खोल लिया, इसमें हाथ लगाने का नहीं, क्योंकि ये जो वायर है पोल से डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये मेन वायर है जो पोल से आते हैं। चलिए, इस ढक्कन को भी हम खोल लेते हैं। आप चिंता मत करो, मैं आपको अच्छी तरह समझा देंगे कि इसे क्या करना है, ठीक है। सिर्फ ढक्कन को खोल रहे हैं, चलिए ढक्कन ओपन कर लेता हूँ, सॉरी ये ढक्कन थोड़ा दिक्कत हो रहा है ओपन करने में, क्योंकि इसमें पावर चालू है फ्रेंड्स, डायरेक्ट पोल से आ रहा है। आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ये काम करना है, ठीक है, आप मिस्त्री हो टेक्नीशियन हो तभी ये काम करना। तो आप देख सकते हो मैं इन्हें ओपन कर दिया, और अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरह से काम हो रहा है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोला ये जो पोल से वायर आ रहा है, ये वायर आप देख सकते हो, तो ये रेड वाला वायर है एक फेज का, और ये ब्लैक वाला वायर जो है ये न्यूट्रल का है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी पोल से आ रहा है, ये दूसरा फेज आ रहा है, ठीक है, पोल से आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही आसान तरीके बताने वाला हूँ आपको, इजी तरीके वाला हूँ बताने वाला हूँ। आप पहले देख लीजिए वोल्टेज, देख सकते हो यहाँ पर 100 वोल्टेज दिख रहा है, मीटर में आपको अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो आप, लगभग 130 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रल का वायर है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे ओपन कर, सो आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने न्यूट्रल वायर को हटा दिया, यहाँ पर देख सकते हो मैं न्यूट्रल वायर को यहाँ से हटा दिया। और अब मैं दोनों फेज जो है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, दोनों फेज को हम काम में लगाएंगे। तो चलिए, ऊपर वाला जो फेज है इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, इस वायर को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाना है। देखिए, मैंने
इसको ओपन कर लिया और हम यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, देख सकते हो जहाँ पर न्यूट्रल लगा हुआ था वहीं पर मैंने फेज का वायर को जोड़ दिया। एक फेज इधर है और एक फेज इधर है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, ठीक है। अब मैं यहाँ का नट जो है मैं टाइट कर दूंगा फ्रेंड्स, और आपको वोल्टेज इंक्रीज करके दिखाता हूँ कितना वोल्टेज हो रहा है। पहले 130 हो रहा था एक फेज में, दूसरा फेज में 150 हो रहा था। अब मैं आपको वोल्टेज इंक्रीज करके दिखाता हूँ। तो चलिए ये कम्प्लीट हो गया, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं पावर देता हूँ, आप मीटर की तरफ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ पावर दे देता हूँ, मीटर सामने आपको रख देता हूँ और आप वोल्टेज देखिएगा कितना वोल्टेज हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें पावर देते हैं, देखिए। और जैसे मैंने पावर दिया आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वोल्टेज 200 के ऊपर चला गया, 230 है, बहुत ही अच्छा वोल्टेज है, नॉर्मल वोल्टेज है। इस तरह से आप देख सकते हो दोनों फ्यूज को हम जोड़ दिया, न्यूट्रल को हटा दिया। तो फ्रेंड्स बहुत ही ये आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो है। अगर आपके पास स्टेप लेयर नहीं है तो आप आराम से वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हो, और घर में पंखा कुछ भी आप बहुत आराम से चला सकते हो। और मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपके घर में लो वोल्टेज का समस्या है तभी आप इस तरह का सिस्टम आप उपयोग कर सकते हो। अगर ज़्यादा वोल्टेज है, 200 वोल्टेज है, तो आप इस तरह बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। जो जिसके घर में लो वोल्टेज है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो आप देख सकते हो वोल्टेज कितना है और आप बल्ब भी देख सकते हो कितना ज़ोर से ग्लो हो रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा ग्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लगभग 240 वोल्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये आपको बहुत सावधानीपूर्वक बनाना है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।